हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टीएच के, बोले तो द हॉर्स पावर नॉलेज चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि दोस्तों ये गूगल कोड लैब्स है क्या। बड़ा दोस्तों इसे मैं सुनने में आया, गूगल कोड लैब्स, गूगल कोड लैब्स। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही देते हैं गूगल कोड लैब्स के बारे में। इसमें दोस्तों आपको ये जानना है कि गूगल कोड लैब्स है क्या और दोस्तों इसमें एडमिशन हम कैसे लेते हैं। दोस्तों, क्या आप भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या फिर दोस्तों आप भी कोई भी ऐसी कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो जिससे कि आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बना सको। तो चलो दोस्तों जानते हैं गूगल कोड लैब्स के बारे में। दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल में जॉब नोटिफिकेशन, मोबाइल रिव्यूज और टेक्निकल नॉलेज भी बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस टाइप के नॉलेज को अगर पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में दोस्तों बगल में बेल आइकन लगा हुआ है, उसको दोस्तों दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वो आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, गूगल आपको कोडिंग के बारे में सब कुछ सिखाता है, बस आपको इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए 10+2 पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप और आप जो गूगल कोड के बारे में अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सभी दोस्त जानते हैं कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में गूगल ने तो एक महारत प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, दुनिया जानती है कि भाई गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, आज की इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि हर एक इंसान चाहता है कि मैं गूगल में काम करना चाहता हूँ। पर भैया, गूगल में काम तो आप तभी करोगे ना जब आपको कुछ, आपके अंदर कुछ अलग टैलेंट होगा, जब आपको दुनिया कुछ अलग तरीके से जानेगी कि हाँ भाई इसको ये आता है, इसको आता है, तब तो भैया आपको ये दुनिया लेगी। तो दोस्तों, गूगल कोड लैब्स हमें कोडिंग एक्सपीरियंस और क्या हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से क्या हुआ रूबरू कराता है। दोस्तों, जब हम पहली बार क्या होता है, जब जानते हैं ना, मैंने सोचा चलो भाई मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो कोई बोलता मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेना चाहता हूँ, कोई बोलता मैं कंप्यूटर साइंस में लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, हम तभी स्टार्टिंग में कुछ जानते तो है नहीं है। हमने कहा भैया चलो, इनको देखा ये तो कंप्यूटर इंजीनियर है, चलो भैया हम भी बन जाएंगे। हम वहां पर सोचते यार कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें तो भैया अभी कुछ नॉलेज है नहीं। जब वहां पहुंचते तो हम देखते यार ये कोडिंग करना है, वो कोडिंग करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। तो दोस्तों क्या होता है, हम पागल हो जाते हैं उस समय, हमको समझ नहीं आता यार कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। तो दोस्तों इसलिए क्या हुआ है कि जिनके पास पैसे नहीं है या कुछ ऐसे टाइप के आदमी है जो मतलब सीख नहीं सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, तो दोस्तों उन सभी लोगों के लिए क्या हुआ, ये गूगल कोड लैब्स लेकर आया। दोस्तों, अब हम आपको ये बताएंगे ये सिखाता क्या है कि दोस्तों जो एप्लीकेशन होते हैं उनको, जो नए नए एप्लीकेशन होते हैं उनको कैसे बनाना है, दोस्तों ये आपको बताता है। फिर दोस्तों आपने देखा होगा गूगल मैप हो गया, गूगल डीओ हो गया, या फिर ये क्या होता है गूगल ड्राइव हो गई, ये जो गूगल के कई टाइप के जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ना, इनको जो एग्जिस्टिंग यूजर है मतलब बोले जो इस टाइप के जो आ चुके हैं एप्लीकेशन, इनमें कुछ नया अपडेट कैसे लाए। दोस्तों आप देखते हो कभी कभी क्या होता है, आपने फोन ओपन किया और आपने देखा अच्छा ये गूगल डीओ, गूगल डीओ मतलब आपने देखा यार ये कुछ नया क्या गया। तो दोस्तों ये जो नए नए अपडेट आते हैं तो ये इनको बताना सिखाते हैं कि दोस्तों कुछ नई चीजें कैसे इसके अंदर जोड़ी जा सके, कोई नया फीचर इसके अंदर कैसे लाया जा सकता है। फिर दोस्तों क्या होता है, गूगल एंड्रॉइड वीयर और गूगल कंप्यूट इंजन जैसे टॉपिक्स में भी क्या होता है दोस्तों, ये काम करना हमको सिखाता है। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी लोग आ सकते हैं, जिसे हम पता क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रल प्लेस बोलते हैं। आपको तो पता होगा दोस्तों कि एक गली होती है, उस गली से क्या हुआ हर एक आदमी निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया चौराहा है, चौराहा, क्योंकि यहाँ से सभी लोग पास होते हैं। तो दोस्तों ये भी एक चौराहे की तरह होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेस। भैया आप यहाँ पे आओगे, आपने यहाँ पे आने के बाद आपने देखा कि भैया हम अपना एक एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं, हम अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपना कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमको पता चला भैया यार हमको ये सामान चाहिए, हमको ये प्रोग्रामिंग चाहिए, हमको ये इन्वायरमेंट चाहिए, हमको ये प्लेटफॉर्म चाहिए। अब भैया अगर तुम अकेले अकेले बनाओगे तो तुम तो परेशान हो जाएगा कि हम ये खरीदें, वो खरीदें, फलाना करें। तो हर चीज को दोस्तों क्या हुआ, गूगल कोड लैब के अंदर डाल दिया गया। अब क्या हुआ कि जिस आदमी को जो चीज की जरूरत हो ना, वो वहां पर आएगा, वो चीज को लेगा, उसका उपयोग करेगा और उसको वहां पर वापसी कर देगा, और आपका भी काम हो गया और गूगल का भी अपना काम हो गया। अब गूगल कोड लैब्स क्या होता है, बनाने का मेन वर्क था कि जो इंजीनियर होता है, आई मीन मेरा क्या हुआ, जो डेवलपर इंजीनियर होता है उनको हेल्प मिल सके। दोस्तों इंडिया में फर्स्ट टाइम जो गूगल कोड लैब्स है ना, उसको आंध्र प्रदेश में क्या हुआ शुरू किया गया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या हुआ था, अपनी इंडस्ट्री, अपनी आईटी इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाने के लिए, फिर उनको बूस्ट करने के लिए क्या हुआ इसका यूज किया। इसके लिए दोस्तों गूगल ने VVIT कॉलेज को क्या हुआ था चुना था। दोस्तों गूगल ने एक्सपर्ट टीम एक भेजी थी VVIT कॉलेज में, वो वहां पर जा सके, उनको देख सके कि भाई उनका सेटअप कैसा है, वो क्या वहां पर सेटअप लगा सकते हैं, वहां के लोग कैसे हैं। तो उन सब चीजों के दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने एक सर्वे किया। उसके बाद दोस्तों आप तो जानते हैं कि VVIT कॉलेज को सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस का खिताब तो ऑलरेडी इसको मिल चुका है। दोस्तों गूगल कोड ज्वाइन करने के लिए
आपका 10+2 जो पास होना तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे, कुछ इंटरव्यू होंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन तो दोस्तों हो ही जाएगा। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट होगा, अगर आपके अंदर कुछ एक अलग हुनर होगा, तो दोस्तों आपको जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों आपको जाने से तभी कोई रोक सकता है जब आप हमारा यूट्यूब का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। जिनका इंटरेस्ट हो दोस्तों, मैं तो एक आपको अपना सजेशन देता हूँ कि दोस्तों जिनका इंटरेस्ट हो ना वही लोग कोडिंग में जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि कोडिंग के लिए आपका मैथमेटिक्स तो जो है ना उसका तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है, आपकी थिंकिंग ना थोड़ी अलग हटके होनी चाहिए, आप कुछ अलग सोचते होंगे तभी क्या होता है आप प्रोग्रामिंग में कुछ अलग कर पाएंगे। दोस्तों आपका माइंड जो है ना पूरी तरह से ओपन और क्या हुआ आपके लिए कुछ नया सीखने का जज्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों मेरा मूड मन हुआ, आज मैंने अपना मुंह शीशा में मुंह देखा और मैंने कहा अच्छा आज हमारा मन है कोडिंग का, तो चलो भैया गूगल कोड लैब में अप्लाई कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों जब आपके अंदर खुद एक इंटरेस्ट हो कि नहीं यार मैं कुछ एक नया सीखना चाहता हूं, मैं अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहता हूं दुनिया में, तब तो दोस्तों आप गूगल कोड लैब में अप्लाई बिल्कुल करें। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो या फिर कुछ ऐसा ही अगर आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो हमारे दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट होना तो आप प्लीज हमको इसके नीचे का कमेंट करके भेज सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए एक YouTube कोर्स लेकर आए हैं, इसमें क्या हुआ दोस्तों हम आपको हर एक बार बताएंगे कि YouTube से कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे अपना नाम लेते हैं, कैसे उसको लिंक करते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों हम YouTube से कैसा पैसा कमाते हैं। दोस्तों अभी तक आपको YouTube में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको YouTube क्रैश कोर्स लेकर, हम दोस्तों आपको YouTube में हर एक चीज बताएंगे। तो दोस्तों आप प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको